हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ओपिनियन ट्रेडिंग लीगल एप्लीकेशंस जहां पर आप ओपिनियन ट्रेडिंग करके मनी अर्न कर सकते हैं। बट इन एप्लीकेशंस में काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इन सभी एप्लीकेशंस में जो कॉमन चार्जेस है वो है GST और TDS। GST सभी एप्लीकेशन में एप्लीकेबल हो गया है, बट कोई भी एप्लीकेशन अभी आपसे GST नहीं ले रही। तो ये जो मैं अभी आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, इस इन एप्लीकेशन में डिपॉजिट के टाइम कोई भी GST नहीं लगेगा। और जो TDS है, जो आपको विड्रॉल के टाइम देना होता है, जिसे गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल किया था सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपको देना होगा। आपका जो विड्रॉल अमाउंट होगा उसमें से 30% डिडक्ट होगा, तभी वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये दोनों चार्जेस इन सभी एप्लीकेशंस में सेम है। GST आपको नहीं देना है, बट TDS देना है। अब यहां पर इन सभी एप्लीकेशंस में एक और मेन चार्ज रहता है, वो रहता है प्लेटफॉर्म फीस या फिर कमीशन आप इसे कह सकते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जो भी टॉप 5 या टॉप 6 एप्लीकेशन बताने वाला हूं, ये मैं आपको रैंक वाइज बताऊंगा कि किस एप्लीकेशन में कितने चार्जेस लगते हैं। जिस एप्लीकेशन में सबसे कम चार्जेस लगेंगे उसे हम नंबर 1 पर रखेंगे, और जिस एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा चार्जेस या कमीशन लगेगी उसे हम लास्ट नंबर पर रखेंगे। तो बाकी वीडियो को पूरा देखिए। सो यहां पर 6 नंबर पर जिस एप्लीकेशन को हमने रखा है उसका नाम है TradeX। अब TradeX एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। GST आप लोगों से ये नहीं ले रही, पर जब से GST एप्लीकेबल हुआ है तब से ये एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा चार्जेस ले रही है। आप यहां पर अगर आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है कि कितनी ये चार्जेस ले रही है। पर एक्चुअल में इस एप्लीकेशन के जो चार्जेस हैं वो है 18% ऑन योर नेट विनिंग्स। जब भी आप कोई भी प्रॉफिट करेंगे तो आपके प्रॉफिट के ऊपर 18% का कमीशन लगेगा। तो ये एप्लीकेशन में आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आपको 18% कमीशन देना होगा। TDS अलग से है तो उसको इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये है 6 नंबर की एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, तो उसका नाम है प्रोबो। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप हर टॉपिक से रिलेटेड ओपिनियन ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको GST नहीं देना है, TDS देना है, और इस एप्लीकेशन में आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में जो चार्जेस लगते हैं आपकी नेट विनिंग्स के ऊपर वो है 15%, 15% आपको चार्जेस देने होंगे आपकी नेट विनिंग्स के ऊपर। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और 100 रुपए के आपके 200 रुपए बन गए, तो एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट हुआ वो तो 100 ही रुपए हुआ, क्योंकि 100 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब जो कमीशन डिडक्ट होगी वो आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट होगी, तो 100 रुपए का 15% हुआ 15 रुपए, तो 15 रुपए यहां पर कमीशन चार्ज करी जाएगी आपकी नेट विनिंग्स के ऊपर, यानी 15% इसमें कमीशन है। अब बात कर लेते हैं यहां पर 4th नंबर की एप्लीकेशन के बारे में। तो 4th नंबर पर जिस एप्लीकेशन को हमने रखा है उसका नाम है स्पोर्ट्सबाजी। स्पोर्ट्सबाजी एक फैंटेसी ऐप है, लीगल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में भी गवर्नमेंट की तरफ से GST TDS लगाया गया है, बट यहां पर अगर आप इस एप्लीकेशन में ओपिनियन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टैट्स प्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टैट्स प्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिकेट से रिलेटेड सभी ट्रेड्स आ जाएंगे। कोई भी ट्रेड को सिलेक्ट करके आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जो चार्जेस हैं वो भी 15% आपको देने होंगे आपके प्रॉफिट के ऊपर, तो इस एप्लीकेशन में भी 15% के चार्जेस देने हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर की एप्लीकेशन के बारे में। तो 3rd नंबर पर जिस एप्लीकेशन को हमने रखा है उसका नाम है गाइज Real11। एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एक तरह की ये भी फैंटेसी ऐप है जिसमें आपको ओपिनियन ट्रेडिंग करनी है। अब यहां पर Real11 जो है वो काफी ज्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको कम से कम चार्जेस देने हैं, बाकी सब में 18% या फिर आपको 15% तो देने हैं, बट ऐसे एप्लीकेशन में जो चार्जेस हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 10%। आप कोई भी अपना ओपिनियन देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो क्रिकेट के प्रिडिक्शंस हैं, आप प्रिडिक्शन करिए और उसमें आपको यहाँ पर देने होते हैं 10% के चार्जेस। तो इस एप्लीकेशन में जो चार्ज है वो है 10% का, बाकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं 2nd नंबर की एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो 2nd नंबर पर एप्लीकेशन को हमने रखा है उसका नाम है MPL Pro। MPL Pro जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इस एप्लीकेशन में जो चार्जेस हैं, आप ओपिनियन वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो हैं
लगभग लगभग 12% के करीब। बट फिर भी हमने इसे दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गेम्स है, जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप आसानी से हर चीज़ को समझ पाएंगे और यहाँ पर जो आपका ओपिनियन हो है वो विद इन सेकेंड मैच हो जाएगा दूसरे ओपिनियन ट्रेडर के साथ। मैच होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी एक ओपिनियन ट्रेडर की जो वैल्यू है वो दूसरे ओपिनियन ट्रेडर को ट्रांसफर होती है अगर वो विन करता है, इसीलिए हमने इसे दूसरे नंबर पर रखा है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी डाउनलोड करना या ना करना वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहां पर जो फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन इस टाइम चल रही है वो चल रही है प्ले अवे। जी हाँ, प्ले अवे जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि एक तो जीएसटी आपसे नहीं ले रही, कमीशन जो है वो 10% है, ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इजी है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का ही चार्ज देना होगा, बाकी सब में जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा है। रियल इलेवन और प्ले अवे जो का जो चार्जेस हैं वो 10% है, बाकी 12, 15 और 18% चार्जेस आपको सभी एप्लीकेशन में देने होते हैं। मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस और कमीशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर आप टीडीएस पर जाएंगे तो टीडीएस का जो चार्जेस है वो 30% अलग से है, तो उसको आप इसमें काउंट नहीं करना। अगर काउंट आप करते हैं तो फिर आपका ही घाटा है क्योंकि जब आप विड्रॉ करेंगे, मतलब आपने अगर 100 रुपये विड्रॉ करें तो आपके अकाउंट में सिर्फ 70 रुपये ही आएंगे क्योंकि 30% आपको गवर्नमेंट को देना है। तो इन सभी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे चार्जेस हैं, इन चार्जेस को ज़रा ध्यान से देखिए उसके बाद ही किसी एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा है, आप सोच समझ कर कहीं इन्वेस्ट करें। आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे कमा के जाएं, गवा के ना जाएं, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें और स्टार्टिंग में कम से कम ही इन्वेस्ट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।